सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने पैनामा लीक्स पर शरीफ फैमिली के खिलाफ सबूत जमा करा दिए। तहरीक इंसाफ के वकला ने 686 सफात पर मुश्तमिल दस्तावेजात जमा कराई, बैंक खातों और कर्ज माफी की तफसील भी शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल दरख्वास्तों की समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जहांगीर बदर लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 72 बरस और वो दिल और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा सुपहर 4 बजे पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में अदा की जाएगी। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर जहांगीर बदर को दिल के दौरे के बाद अस्पताल दाखिल कराया गया था, जहां वो खालिक के हकीकी से जा मिले। वजीर आजम सदर आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी का 3 रोजा शोक का ऐलान। गवर्नर सिंध ने ओहदा संभाल लिया लेकिन तबीयत ना संभली। गवर्नर सिंध सईदुल जमान सिद्दीकी तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक सईदुल जमान सिद्दीकी को चेस्ट इन्फेक्शन हो गया। गवर्नर के मुआलिज डॉक्टर जावेद का कहना है कि वो दमे के आर्जे में मुब्तला है। शाह नूरानी मज़ार पर खुदकुश धमाके के बाद मुल्क भर में मज़ारात की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आने जाने वालों की खुसूसी चेकिंग, पार्किंग को मज़ारात से दूर कर दिया गया। 92 न्यूज़ ने सानहे में लापता होने वाला कराची के रिहायशी मोहम्मद अली को अहले खाना से मिलवा दिया। अगर तरक्याती फंड ही नहीं देने थे तो मंतखब क्यों किया? अहमदाबाद में बलज नाजमीन की तरक्याती फंड रोकने का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया। जिले नाजम सरदार शेर बहादुर ने डेप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया। मुजाहरीन का एहतजाज, हालात कशीदा। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया कभी नहीं सुधरेगी। इंतजामिया तलबा को सहूलतें देने की बजाय मुख्तलिफ तरीकों से तंग करने लगी। सेमेस्टर सिस्टम का दौरानिया बढ़ाने पर तलबा मुश्तिल हो गए। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। सियालकोट में जग्गा टैक्स न देने पर गुंडों का ख्वाजा सराव पर बदतरीन तशद्दुद। 92 न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस को होश आ गया। मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम जज्जाबट समेत 6 मुलजिमों को पकड़ लिया। तशद्दुद का शिकार ख्वाजा सराव ने थाने में मुलजिमान पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। ट्रंप को सदर नहीं मानते। अमरीकियों का 5वें रोज भी ट्रंप के खिलाफ एहतजाज जारी। अकलियतों को हिरासत करने के वाकयात में तेजी आ गई। 3 रोज में नस्ली तासुब के 200 से ज्यादा वाकयात। सफेद फाम अमरीकियों ने स्याह फामों और मुस्लिम खवातीन को तंग किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च पहुंच गई। शाहीन 17 नवंबर को कीवीज पर झपटेंगे। ग्रीन शर्ट की नेल्सन में बारिश के बाइस प्रैक्टिस मुतासर। आम दिनों की निस्बत बड़ा और ज्यादा रोशन चांद स्पेन में नमूदार। सुपरमून का नजारा आज मगरिब के बाद पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। अगले सुपरमून के लिए 2034 तक इंतजार करना होगा। और एक्शन और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज का शायकीन के दिलों पर बदस्तूर राज बरकरार। दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर पहला नंबर, मजीद 4 करोड़ 30 लाख डॉलर्स समेट लिए।